सुन ले बेटा पाकिस्तान, तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, तेरा हिंदुस्तान। आइए आपको और कवरेज करके दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से सड़कों पर लोग उतर आए हैं। लगातार ये विरोध प्रदर्शन, बिलावल भुट्टो का जो है वो पुतला जलाया जा रहा है। पूरी तैयारियां हो चुकी है, जिस तरीके से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बयानबाजी दी है, ये देखिए आपको दिखा रहे तस्वीरें किस तरीके से यहाँ उनके पुतले को तैयार किया गया है। और पुतले को जलाने की आशंका भी जताई जा रही है कि बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से बयानबाजी दी है आने वाले समय में, देखिए लगातार ये जो विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। और बिलावल भुट्टे के पुतले को लेकर आगे बढ़ते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर आज पूरा देश प्रदर्शन करने पर उतर आया है। लगातार आपको दिखा रहे हैं भीड़ के साथ भारी बल में पुलिस की भी भागीदारी यहां दिखाई दे रही है। पुलिस भी यहां है और लगातार सुरक्षा भी यहां पर है, जिस तरीके से ये विरोध हो रहा है। और पीछे बिलावल भुट्टो का पुतला आगे लेकर के भीड़ आगे आ रही है। आपको लगातार हम ये कवरेज करके दिखा रहे हैं। पाकिस्तान होश में आओ, सर क्या कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात कही गई? देखिए ये बहुत ही निंदनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द कहे गए हैं और इस बात की हम निंदा कर। आने वाले समय में बिलावल भुट्टो के साथ साथ पूरे पाकिस्तान की कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है, वो एक उस देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। उसके लिए मैं एक शब्द कह सकता हूँ कि जुल्म के बीजों का हम बाग न लगने देंगे, अपने भारत में कभी आग न लगने देंगे। ऐ मेरे प्यारे वतन आइए दख जी, कि जुल्म के बीजों का हम बाग न लगने देंगे, अपने भारत में कभी आग न लगने देंगे। ऐ मेरे प्यारे वतन, तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पे कभी दाग ना लगने। देखिए देश के प्रति प्यार और जिस तरीके से पूरे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सर क्या लगता है पाकिस्तान की कैसी मानसिकता को ये दिखा रहा है? पाकिस्तान अपनी औकात भूल के, वो उसके विदेश मंत्री ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, ये नहीं देखा कि वो 130 करोड़ के प्रधानमंत्री को इस तरीके की अभद्र टिप्पणी से वो कर रहे हैं। हाँ, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री से ये मांगे कि या तो वो आज की डेट में माफी मांगे, वरना इससे भी बड़ा प्रदर्शन और हम उनको घर के अंदर घुस के। आज गुस्सा इतना फूट चुका है, वोट लेकर पाकिस्तान औकात तुझे दिखाएंगे और धूल तुझे चटाएंगे। सर क्या लगता है आपत्तिजनक टिप्पणी हमारे? हिंदुस्तान पाकिस्तान को औकात दिखाने के लिए तैयार है, धूल चटाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की औलाद बिलावल भुट्टो ने हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द बोले हैं, उसके लिए दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मोदी जी तैयार हैं। एक एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में घुसकर और प्रधानमंत्री जी के अपशब्दों का इंतकाम लेगा। सर क्या लगता है जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है आने वाले समय में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हैं? बिलावल भुट्टो की जमीन वहाँ खत्म है, वो अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार करने के लिए अलंगन बयान दे रहा है। और वो माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो शब्द बोले हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, हिंदुस्तान से और भारत से माफी मांगनी। पूरा देश भारत के प्रधानमंत्री के लिए आगे आ चुका है, आपको बता दे तमाम सभी तरीके से जो लोग हैं। अच्छा सर, कैसी मानसिकता को दिखाता है ये आपत्तिजनक टिप्पणी भारत के प्रधानमंत्री के लिए, क्या कहेंगे आप? बिलावल भुट्टो का दिमाग थोड़ा सा पागल हो गया है और वहाँ वो उनके मंत्री भी पागल होते जा रहे हैं। और जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ को भागता है, ऐसी कहावत है हमारे यहाँ। तो ये हम यहाँ आए हैं जो आज पाकिस्तान एम्बेसी पे ये चेताने और जिताने आए हैं कि उनके मुंह में लगाम डाल लो, वरना फिर एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है आपके खिलाफ। और सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ इशारा सर का, क्या लगता है सर आने वाले समय में कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई, क्या लगता है? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुन ले बेटा पाकिस्तान, तेरा हिंदुस्तान। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए अगर अशब्द भाषाओं का इस्तेमाल किया तो फिर पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, और ये निश्चिंत तू तय कर ले, वरना आज ही तू हमारे प्रधानमंत्री से माफी मांगे। सुन ले बेटा पाकिस्तान, तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, तेरा हिंदुस्तान। तेरा हिंदुस्तान। बार बार पाकिस्तान जो गलती करता है अब उसकी गलती माफ नहीं की जाएगी,
आपको बता दे बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कैसा क्या लगता है, कैसी मानसिकता सर दिखा रहे हैं? हाँ जी, कैसी मानसिकता को दिखाता है? देखो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जिस तरीके से अब उनकी जो प्रशंसा पूरे विश्व स्तर पे हो रही है, उनके काम को विश्व स्तर पे हो रही है, पाकिस्तान को किस तरीके से जेलेसी हो रही है, उसके विदेश मंत्री को किस तरीके की जेलेसी हो रही है, वो उसका उनके अपमान में जो अपशब्द बोल रहा है, ये हमेशा इनकी एक आदत रही है कि पाकिस्तान की आदत रही है कि भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करना, उसके विरोध में पूरे पूरे देश के लोग 130 करोड़ के लोग सड़क पे उतरे हुए हैं उनके विरोध करने के लिए। खड़े हुए सारे लोग यहाँ पर बिल्कुल किसी तरीके से माफ नहीं किया जाएगा पाकिस्तान के बड़े नेताओं को जिन्होंने इतना हमारे हिंदुस्तान के लिए गलत कमेंट दिए। आने वाले समय में कितना करारा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहले भी देख चुका है कि जब हमने जब उसने हरकतें की हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, आगे भी हम पूरा जवाब देंगे और वो देखने के लायक होगा क्योंकि वो भागता रहेगा और हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि वो यहाँ पे दिखाई भी नहीं देंगे। एक साथ पूरे जो भारत के लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, लगातार नारे पाकिस्तान के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें एक बार फिर से, पाकिस्तान के जो कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी है, यही कारण है तमाम जनता तमाम आपको भीड़ दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं सहेंगे, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेंगे, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेंगे, क्या कहेंगे सर? मैडम, ये निष्ठा है, ये राजनीतिक निष्ठा है। ऐसे लोगों को तो गली का मंत्री की बात छोड़ो, जो हमारे इस महान प्रधानमंत्री का अपमान करेगा वो गिरा हुआ इंसान है। आने वाले समय में क्या लगता है पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते अच्छे होने वाले हैं वो नहीं होंगे? देखिए, कोई भी देश के संबंध दोनों राजनीतिक पार्टियों से भी जो राज कर रही हैं उनके रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए। देखिए, हमारी लड़ाई को उनसे वो थोड़ी है, आपको सोच समझ के बयान देने चाहिए। आप एक अगर हम उनके प्रधानमंत्री को गाली दें, रिश्ते हमने मधुर बनाने, हम आपके बड़े भाई हैं, पिताजी कहते हैं हम तो उन्हें, हम उनके पिताजी हैं ना, तो बच्चों को तो तमीज से रहना चाहिए। अपने माँ बाप को गाली देंगे क्या? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए, लगातार शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को। सर, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में इतने कुशल नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और उनके लिए ये बयानबाजी, किस तरीके से भारत देख रहा है? हम चाइना जैसे देश को ये सबक सिखा सकते हैं पाकिस्तान के खादे क्या है, हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है तो हम उसको खाकर मिटा देंगे। क्या लगता है आने वाले समय में जो संभावना थी कि पाकिस्तान से कुछ रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, पाकिस्तान खत्म है, पाकिस्तान खत्म है, खत्म है, पीओके हमारे पास होगा, वो हमारा ही है। इतना विश्वास प्रधानमंत्री पर, इतना विश्वास आप सब को? प्रधानमंत्री जी पर पूरा हमें विश्वास है। जो ये पाकिस्तान द्वारा हरकत की गई है ये बहुत ही गलत हरकत है, इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में पाकिस्तान को करारा झटका लगने वाला है, क्या कहेंगे? पार्डन प्लीज, फिर से। आने वाले समय में पाकिस्तान को करारा झटका मिलने वाला है, जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल करारा जवाब देंगे हमारे, और हमारे अध्यक्ष जी देंगे करारा जवाब। तो अध्यक्ष जी एक बार बताएंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, इस नक्शे से गायब हो जाएगा। हाँ। वो ऐसी हरकतें अगर करेगा तो भारत ऐसी मानसिकता दिखा रही है सर, इस तरीके से मानसिकता जो उनकी है, कैसी सोच का परिचय? बहुत सोच, घटिया सोच का परिचय है ये, एक प्रधानमंत्री के लिए बराबर भट्टो के लिए इस ऐसे शब्दों का प्रयोग। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, आज भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर हैं, और उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत ही हम निंदा करते हैं, और पाकिस्तान के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये विरोध जो हो रहा है कब तक होगा, क्या लगता है? ये विरोध हमारा जारी रहेगा जब तक वो माफी नहीं मांगते। विरोध लगातार निरंतर चलेगा, और जो विश्व के महान नेता हैं मोदी जी, आज सारा विश्व जिनकी तरफ आंखें उठाकर देख रहा है, ऐसे नेता का अपमान हिंदुस्तान नहीं सह सकता। देखिए, लिखा हुआ है बोर्ड पे एक ही नारा, एक ही मांग, यूएनओ से पाकिस्तान को बर्खास्त करेंगे, क्या लगता बिल्कुल, है इस बिल्कुल बिल्कुल ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक यूएनओ पाकिस्तान को बर्खास्त नहीं कर देता। देखिए, बहुत ही निंदनीय है कि कोई भी नेता हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्द बोलता है, और ये शब्द जो प्रधानमंत्री जी के लिए बोले गए हैं हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आप साफ तौर पर देख सकते हैं जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री के लिए जो सरल शब्द बोले गए हैं हम उनकी कड़ी वृथा करते हैं, कड़ी विरोध करते हैं, और उनको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। जी, बिल्कुल।
सर क्या कहेंगे, क्या लगता है पाकिस्तान की ये हरकतें कैसी मानसिकता का परिचायक है सर? पाकिस्तान कभी भी बाज नहीं आता, उसको ये सोचना चाहिए कि बोलने से पहले क्या बोल रहा है वो। ऐसे इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो कि पूरे विश्व के अंदर जिनका नाम बना हुआ है, उनके बारे में अभद्र भाषा करना, बोलना, विदेश मंत्री को बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि हमारे वैसे संबंध किस तरीके से बने हुए हैं और ये संबंधों को और खराब करने की इस तरीके की छूट नहीं करनी चाहिए थी। देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान बाद, हाथ में लोटा मुंह में पान, पाकिस्तान हाय हाय। क्या लगता है कैसी मानसिकता को दिखाता है, कब तक ये विरोध आप लोग सबका चलता रहेगा? कब, अब तो बोल लंबा विरोध चलेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के राजा को इन्होंने ऐसा डंक मारा, अब तो पाकिस्तान के पहले जो बंटवारे कराए थे, अब पाकिस्तान हिंदुस्तान में लाकर दिखाएंगे, पाकिस्तान हाय 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 हाय। देखिए 2014 से पहले जो भारत था वो अभी भी पाकिस्तान वही भारत समझ रहा है। पहले आंख दिखा, अब जो आंख दिखाएगा उसकी आंख निकालने की ताकत रखता है वो भारत है, तो इसलिए उसे भूल जाना चाहिए। जो उसने कहा है उसे तुरंत वहाँ के विदेश मंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए, तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं ये आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक वो माफ़ी नहीं मांगे। एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, क्या लगता है उनके कुशल नेतृत्व से पाकिस्तान बौखला गया है, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व से पूरे भारत से पाकिस्तान बौखला हुआ है? और एस जयशंकर जी तो विदेश मामलों के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, ऐसे व्यक्ति को भारत ने विदेश मंत्री बनाया, उसे बौखलाया हुआ है। और लेकिन बेनजीर भुट्टो की चाल पर ये बुलावल भुट्टो चल रहा है। बेनजीर भुट्टो ने भी, जब बेनजीर भुट्टो कमजोर हुई थी पाकिस्तान में, उन्होंने कश्मीर का राग अलापा था चुनाव लड़ने के लिए, ऐसे ये कमजोर हो गए हैं। और जो इमरान ने वहाँ पर इनकी जड़ें खाड़ रखी हैं उससे ध्यान बटाने के लिए बुलावल भुट्टो ने ये बेतुका बयान दिया है।